हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने आज जो है वो प्रेस नोट जारी करके जो आगामी होने वाले एग्जाम हैं, ठीक है, उनकी डेट शीट जो है वो जारी कर दी है, ठीक है। और ये जो है ये टेंटेटिव डेट शीट है, डेट जो है एग्जाम की। तो जैसे कि लैब असिस्टेंट का, लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट कोड 778 29 नवंबर को मॉर्निंग सेशन में होगा और इसके सेंटर जो है वो शिमला, हमीरपुर, मंडी और धर्मशाला जो है वो बनाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निकल ग्रेड 2 776 पोस्ट कोड है, इसका जो है इवनिंग सेशन में होगा 29 नवंबर को। ये एग्जाम जो है वो सिर्फ हमीरपुर और शिमला में होगा। टीजीटी के सभी एग्जाम की डेट्स जो है वो डिसाइड कर दी गई है, नॉन मेडिकल, मेडिकल और आर्ट्स की। तो टीजीटी नॉन मेडिकल का जो एग्जाम है वो 30 नवंबर को होगा मॉर्निंग सेशन में, और टीजीटी मेडिकल का एग्जाम 30 नवंबर को इवनिंग सेशन में होगा, और ये सभी जिला मुख्यालय में होगा, ठीक है। 794 कोड है टीजीटी नॉन मेडिकल का और 793 है टीजीटी मेडिकल का, ठीक है। तो 30 नवंबर इसकी डेट फिक्स की गई है, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर फिशरीज का जो पोस्ट कोड 775 है, उसका एग्जाम जो है वो शिमला, हमीरपुर, मंडी और धर्मशाला में होगा मॉर्निंग सेशन में 6 दिसंबर को, और 6 दिसंबर को ही इवनिंग सेशन में हमीरपुर और शिमला में सुपरवाइजर का टेस्ट है, ये जो 782 कोड का एग्जाम जो निकला था। फिर इसके अलावा 8 दिसंबर को हमीरपुर में टेस्ट होगा मॉर्निंग सेशन में सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का 783 पोस्ट कोड, और होटल हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का 792 पोस्ट कोड 8 दिसंबर को इवनिंग सेशन में हमीरपुर में ही ये एग्जाम होगा। इसके अलावा जूनियर ऑफिसर सुपरवाइजरी ट्रेनिंग P&A एट SO लेवल 787 पोस्ट कोड है, 9 दिसंबर को ये पेपर है मॉर्निंग सेशन में हमीरपुर में। इसके अलावा सुपरवाइजर रीडेजिग्नेटेड एज वर्क इंस्पेक्टर, ठीक है। तो सुपरवाइजर वर्क इंस्पेक्टर का पेपर 774 पोस्ट कोड का, ये जो है ये 9 दिसंबर को होगा इवनिंग सेशन में, ये भी हमीरपुर में ही कंडक्ट होगा। इसके अलावा फार्मासिस्ट एलोपैथी 777 पोस्ट कोड 12 दिसंबर को मॉर्निंग सेशन में हमीरपुर शिमला में, और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पेपर 773 पोस्ट कोड 12 दिसंबर इवनिंग सेशन में हमीरपुर और शिमला में होगा, ठीक है। टीजीटी नॉन मेडिकल का पेपर और मेडिकल का पेपर की डेट जो है वो ऑलरेडी पहले ही हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। वो जो एग्जाम है टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल का वो 30 नवंबर को होगा मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में, ठीक है। टीजीटी आर्ट्स का एग्जाम जो 795 कोड का है वो 13 दिसंबर को, ठीक है, 2020 को मॉर्निंग सेशन में होगा सभी जिला मुख्यालय में, और स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर पोस्ट कोड 786 ये भी 13 दिसंबर को होगा इवनिंग सेशन में सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। ऑपरेटर का पेपर 784 पोस्ट कोड 15 दिसंबर को मॉर्निंग सेशन में हमीरपुर में। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल 791 पोस्ट कोड 15 दिसंबर इवनिंग सेशन हमीरपुर में। जूनियर ड्राफ्ट्समैन, ठीक है, आर्किटेक्चर का 789 पोस्ट कोड 16 दिसंबर को हमीरपुर में मॉर्निंग सेशन में। जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल का 790 पोस्ट कोड 16 दिसंबर 2020 को इवनिंग सेशन में हमीरपुर में। इसके अलावा टेक्निकल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट कोड 809 ये 17 दिसंबर को पेपर होगा मॉर्निंग सेशन हमीरपुर, ठीक है। इसके अलावा ऑप्थाल्मिक ऑफिसर एलोपैथी 804 कोड 17 दिसंबर 2020 को, ठीक है, हमीरपुर में इवनिंग सेशन में। जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन 806 पोस्ट कोड 18 दिसंबर मॉर्निंग सेशन हमीरपुर में। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर 807 पोस्ट कोड 18 दिसंबर इवनिंग सेशन हमीरपुर में। LT का पेपर लैंग्वेज टीचर का 814 पोस्ट कोड है सभी जिला मुख्यालयों में होगा, ये 20 दिसंबर को होगा मॉर्निंग सेशन में, ठीक है। और शास्त्री का पेपर जो है 813 पोस्ट कोड, ठीक है, वो 20 दिसंबर को होगा इवनिंग सेशन में सभी जिला मुख्यालयों में, ठीक है। जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल का पेपर है 816 पोस्ट कोड 22 दिसंबर को हमीरपुर में होगा ये मॉर्निंग सेशन में। मार्केटिंग असिस्टेंट का 808 पोस्ट कोड है 22 दिसंबर इवनिंग सेशन हमीरपुर में। JE मैकेनिकल 796 पोस्ट कोड 23/12/2020 को हमीरपुर में होगा। क्लर्क का 803 पोस्ट कोड है 27/12/2020 को मॉर्निंग सेशन में सभी जिला मुख्यालयों में होगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स का 815 को पोस्ट कोड है, ठीक है, ये 27/12/2020 को इवनिंग सेशन में सभी जिला मुख्यालयों में होगा। लेबर इंस्पेक्टर का है 805 पोस्ट कोड, ये 3 जनवरी 2021 को मॉर्निंग सेशन में सभी जिला मुख्यालयों में होगा।
आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का पेपर 799 पोस्ट कोड 3 जनवरी 2021 को इवनिंग सेशन में शिमला हमीरपुर मंडी धर्मशाला में होगा। मिल्क प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट 810 पोस्ट कोड है, ये 9 जनवरी 2021 को मॉर्निंग सेशन में हमीरपुर शिमला में होगा। प्लांट ऑपरेटर का 811 पोस्ट कोड 9 जनवरी 2021 को इवनिंग सेशन में हमीरपुर और शिमला में होगा। सर्वेयर का पेपर 798 पोस्ट कोड 10 जनवरी को मॉर्निंग सेशन में हमीरपुर शिमला में होगा। जूनियर ड्राफ्ट्समैन का 800 पोस्ट कोड है, 10 जनवरी 2021 को इवनिंग सेशन में हमीरपुर शिमला में होगा। जूनियर ऑफिस ऑफिसर सुपरवाइजरी ट्रेनिंग F&A एट SO लेवल 788 पोस्ट कोड है, 17 जनवरी को 2021 को ये मॉर्निंग सेशन में हमीरपुर शिमला में होगा। असिस्टेंट प्रोग्रामर 781 पोस्ट कोड 17 जनवरी इवनिंग सेशन हमीरपुर शिमला में, और जूनियर टेक्नीशियन का 780 पोस्ट कोड 24/1/2021 यानी 24 जनवरी 2021 को मॉर्निंग सेशन में हमीरपुर शिमला में। यानी कि लगभग अब आप ये मानिए कि इसके बाद ही जो अब जो जिन एग्जाम का जिक्र नहीं इसमें किया गया, यानी कि वो जैसे खास तौर पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है या जो अभी जो वैकेंसीज निकली थी, तो उनके एग्जाम जो है वो अब इस डेट के बाद ही जो है वो होंगे। ठीक है, तो कोई भी जो भी कैंडिडेट है वो अपने एडमिट कार्ड है जो वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर ले, ठीक है, और एडमिट कार्ड जो है वो 15 दिन पहले जो है वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस से भी जो है वो रोल नंबर और एग्जामिनेशन सेंटर की जानकारी जो है वो प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा SMS से भी जो है मोबाइल फोन पर रोल नंबर और एग्जामिनेशन सेंटर की जानकारी जो है वो भेजी जाती है। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है वो डिजी लॉकर ऐप पर जो है वो उपलब्ध रहेंगे। तो इसके अलावा अगर किसी को ज्यादा जानकारी चाहिए तो वो टोल फ्री नंबर 1-800-1-80-8095 या जो फोन नंबर है 0197-222-2204 पे जो है वो संपर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये आज की डेट में जो ये सेक्रेटरी जो है हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग हमीरपुर के, उनके द्वारा जो है ये प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई है एग्जामिनेशन की जो भी डेट्स हैं। लगभग आप ये देखिए कितने सारे एग्जाम्स की डेट जो है वो फाइनल कर दी गई है, लगभग 38 एग्जाम की डेट जो है वो फाइनल कर दी गई हैं। ठीक है, और लगभग इसी मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है कि वो एग्जाम जो है वो इसी डेट को जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।